स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे दोस्तों ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का आज हम ये टेस्ट नंबर फोर करेंगे बिहार दरोगा पीटी के लिए ठीक है जैसा कि आप लोग को सभी पता है ये ओल्ड बुक है लेकिन बहुत लोगों के पास ये उपलब्ध नहीं है और बहुत सारे ने कमेंट किया था मैंने एक और दो और तीन टेस्ट सीरीज़ मैंने डाल दिया है और ये टेस्ट सीरीज़ कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम में पूछा गया था उसका भी क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उसे मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का दिया गया है और 80 क्वेश्चन जीके से है तो मैं ये 80 क्वेश्चन का करवा रहा हूँ आप लोग इसी में अपना मार्क्स देखिएगा कि कितना आ रहा है ठीक है और क्वेश्चन जो इसका जीके का है बहुत ही बेहतरीन है यही वजह है कि मैं ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का ये टेस्ट सीरीज़ न्यू सीरीज़ के रूप में शुरू किया हूँ ताकि आप लोग भी इसके प्रश्न देख लें और इससे एग्जाम में हमेशा आते ही हैं चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं पहला क्वेश्चन बोल रहा है यह अभ्यास पत्र फोर है यानी प्रैक्टिस सेट नंबर पहला क्वेश्चन बोल रहा है अशोक के किस शिलालेख में धर्म महापात्र की नियुक्ति एवं कार्य का निर्देश का उल्लेख है तो पहला का इसका जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन और अगर आप ये बुक खरीदना है चाहते हैं तो ये बुक अभी भी अवेलेबल है आपका छोटू बुक स्टॉल बीपीएससी गेट पटना के पास वहां से आप लोग इसे खरीद सकते हैं और जो मंगवाना चाहें वो छोटू बुक स्टॉल से कॉन्टेक्ट करके आप अपना मंगवा भी सकते हैं ठीक है वो सारा डिटेल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह कैसे आप लोग पाते हैं वो सारा कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा तो चलिए पहला का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग पांचवे शिलालेख से नेक्स्ट आइए और एक चीज और है इससे पूछता है केसों के तेरहवें शिलालेख में किस चीज़ का वर्णन है तो कलिंग युद्ध का वर्णन है क्वेश्चन नंबर दो में आइए किस मौर्य शासक को अमित्र घात कहा जाता है तो दूसरा का सही हो जाएगा ऑप्शन ख बिंदुसार को और बिंदुसार के दरबार में डायमेकस तथा डायोनिसस दो विदेशी राजदूत उसके दरबार में आए थे और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था क्वेश्चन नंबर थ्री में आइए मिलिंद पनो किस धर्म से संबंधित है तो तीसरा का सही हो जाएगा ऑप्शन क बौद्ध धर्म से ये संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर में आइए फोर बोल रहा है कि प्रथम संगम किस स्थल पर हुआ था तो चौथा का सही हो जाएगा ऑप्शन क मदुरा में प्रथम संगम मदुरा में हुआ था जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी इसके संरक्षक पांड्य शासक थे और द्वितीय संगम कपाटपुरम अलै में हुआ था जिसकी अध्यक्षता तोलका पियार ने की थी और इसके संरक्षक भी पांडे शासक थे और तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नकिरर थे जिसकी संरक्षक इसके भी पांडे शासक थे और स्थल था इसका उत्तरी मदुरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए फाइव में क्वेश्चन नंबर फाइव बो रहा है किस विद्वान ने गुप्त वंश को शूद्र कहा है तो पांचवा का सही हो जाएगा ऑप्शन ख के पी जायसवाल ने और रोमीला थापर जो है इतिहासकार वो वै कहे हैं और रामेश चंद्र मजुमदार ने भी वैसे कहा है और हेमचंद राय चौधरी ने ब्राह्मण कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये छठा नंबर दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी उसकी मृत्यु हुई थी तो छठा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कतुब्द्दीन एवक बारह सौ दस ईस्वी में कुतुब्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी और कुतुब्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है इसकी सास इसके शासन की राजधानी लाहौर थी और कुतुब्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है और इसने प्रसिद्ध सूफी संत कुतुब्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सेवन में सेवन बोरा दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी तो का सही हो जाएगा ऑप्शन ख मोहम्मद बिन तुगलक ने नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आठवां नंबर में आठवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आगरा शहर की स्थापना किसने की तो आठवां का सही हो जाएगा ऑप्शन ग सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की और 1506 ईस्वी में इसे राजधानी बनाया नेक्स्ट क्वेश्चन आइए है नाइन नंबर में नाइन नंबर बोल रहा है दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा विभाग रक्षा से संबंधित था तो नाइन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का आरिज ए मुमालिक नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दसवा नंबर और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए ऑप्शन भी बता देते हैं दीवान ए जो इंसा है दीवान ए जो होता है वो आपका आ, इसका संचालन दबी नामक सचिव करते थे ठीक है और दीवान ए रसताल होता है यह विदेश मंत्री था और काजी उल कुलात जो है वो न्याय विभाग का प्रधान होता था दसवां नंबर आइए महान वैष्णव संत चैतन्य समकालीन थे तो किसके समकालीन थे तो दसवां का सही हो जाएगा ऑप्शन ग अलाउद्दीन हुसैन शाह के अलाउद्दीन हुसैन साहब वैष्णव संत चैतन्य के समकालीन थे नेक्स्ट आइए ग्यारह नंबर ग्यारह बोरा किस आंदोलन के दौरान बच्चों की वानर सेना तथा लकड़ी लड़कियों की माजरी सेना का गठन किया गया तो ये हो जाएगा ऑप्शन ख सविनय अवाज्ञा आंदोलन के दौरान नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बारह नंबर बारह बोरा पूना पैक्ट किस वर्ग के साथ किया गया था तो बारह का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं क्योंकि जो पूना पैक्ट था वो क्या हुआ था किसके किसके बीच हुआ था तो दलित वर्ग और हिंदू समाज के बीच हुआ था ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजेम मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 सौ ईस्वी को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचायत जारी किया था जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं यानी कि सांप्रदायिक पंचायत ठीक है और इसके विरोध में गांधी जी ने ने आमरण अनशन किया और 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर में पूना समझौता हुआ इस समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई और दूसरे केंद्रीय विधानमंडल में अट्ठारह सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई नेक्स्ट क्वेश्चन आई तेरह नंबर में उन्नीस ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई तो तेरा का सही हो जाएगा ऑप्शन ख जवाहरलाल नेहरू ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है और 1923 सौ ईस्वी में अगर पूछेगा तो इसका एक चीज और है सॉरी तेरह का ख हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और 1938 सौ ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष हरिपुरा अधिवेशन के कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति की उसी के अंतर्गत स्थापना की गई थी और जिसके सदस्य में बिरला थे लाला श्री राम थे विश्वसरैया आदि शामिल थे चौदह नंबर क्वेश्चन आइए चौदह नंबर क्वेश्चन बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे तो चौदह का सही हो जाएगा ऑप्शन घ अब्बुल कलाम आजाद नेक्स्ट आइए पंद्रह नंबर में पंद्रह बोल रहा है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई तो पंद्रह का सही हो जाएगा ऑप्शन ग तेलंगाना में भूदान आंदोलन की शुरुआत अठारह अप्रैल उन्नीस सौ इक्यावन को पोचमपल्ली नलगोडा तेलंगाना में विनोद भावे ने की थी और रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमिदान में दी थी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सोलह नंबर में सोलह बोर की संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है तो सुल्ला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अनुच्छेद चौवालीस और अनुच्छेद 45 बोलता है कि आरंभिक शिशुत्व देख रेख तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है और यह छियासवें एट्टी में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसे प्रति स्थापित किया गया था वही अनुच्छेद 50 आपका कार्यपालिका का न्यायपालिका के पृथककरण से वर, उसका वर्णन है अनुच्छेद में शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नंबर में क्वेश्चन बोला कि भारत के संविधान के अंतर्गत विभिन्न विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में से कौन सुमिल नहीं है तो विषय है और सूची दिया गया है तो सत्रह का इसमें हो जाएगा ऑप्शन ख जो है सूची गलत है ठीक है तो शेयर बाजार संघ सूची में सम्मिलित है ठीक है तो यहां पे शेयर बाजार हो जाएगा संघ सूची अठारह नंबर आइए अठारह बोरा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का प्रावधान है तो 18 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ग अनुच्छेद तीन सौ और संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशाओं तथा कठिनाइयों का अध्ययन करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है और राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 29 जनवरी उन्नीस को काका कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया था और ये बहुत बार पूछता है उसके बाद दूसरा जो हुआ था वो 20 सितंबर 1978 को बीपी मंडल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था ये दोनों जो एक्सप्लानेशन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन्नीस नंबर आइए उन्नीस नंबर बोल रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है तो उन्नीस का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन क सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है संविधान में अनुच्छेद तीन में निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी क्वेश्चन नंबर 20 में आइए सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 1983 में सरकारिया आयोग का गठन 24 मार्च उन्नीस को रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर सी तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था जिसके अन्य सदस्य थे वी शिवरामन और एम आर सेन इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट उन्नीस ईस्वी को प्रस्तुत की थी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 21 में 21 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर संघीय कर है तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ सेवाओं पर कर ये एक संघीय कर है भू राजस्व पथ कर अष्टम शुल्क आदि राज्य कर हैं जबकि सेवाओं पर संघीय सेवाओं पर जो कर लगता है वो एक संघीय कर होता है नेक्स्ट आइए बाईस नंबर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है तो बाईस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग संसद के पास नेक्स्ट क्वेश्चन आइए ट्वेंटी थ्री में ट्वेंटी थ्री का जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्हें हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया गया तो ट्वेंटी थ्री का सही हो जाएगा ऑप्शन क वी रामास्वामी वी स्वामी सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हैं जिन्हें हटाने के लिए उन्नीस में लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था किंतु यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 24 में निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क पीबी नरसिम्हा समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है देखिए यहाँ पे एक चीज है कि एल एम सिंघवी समिति बलवंत राय मेहता समिति अशोक मेहता समिति ये सब पंचायती राज से संबंधित है जबकि पी वी नरसिम्हा राव समिति आपका प्रधानमंत्री थे ठीक है और पीवी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा तिहत्तरवां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित किया गया जो 24 अप्रैल उन्नीस में पूरे देश में लागू हुआ था नेक्स्ट आइए 25 नंबर में पच्चीस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक यानी कि, कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो पच्चीस का सही हो जाएगा ऑप्शन राष्ट्रपति नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर छब्बीस में छब्बीस बोल रहा है कि उदारीकरण निजीकरण और भूमंडलीयकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे तो छब्बीस का सही हो जाएगा ऑप्शन ग नरसिम्हा राव वर्ष उन्नीस ईस्वी में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति आरंभ की गई नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन में ट्वेंटी सेवन बोरा गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है तो ये हो जाएगा 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख न्यायस पर भारतीय अर्थव्यवस्था न्याय अर्थात ट्रस्टीशिप की विचारधारा पर आधारित है गांधी जी का विचार था कि सामाजिक आर्थिक अवधारणा में विचार प्रस्तुत किया गया कि धनी व्यक्ति आम जनों के कल्याण हेतु न्यासों की न्यासी के रूप में कार्य करेंगे <coughs> 28 नंबर आइए विजन 2024 इंडिया दस्तावेज संबंधित है तो यह किससे संबंधित है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ग आर्थिक विकास से और ये विजन जो है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का विजन है नेक्स्ट आइए उन्तीस नंबर में ट्राई सेम एक कार्यक्रम है तो ये क्या कार्यक्रम है तो उनतीस का सही हो जाएगा ऑप्शन क ग्रामीण विकास का और ट्राई सेम का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग रूरल यूथ ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आई आर डी पी के समर्थन घटक के रूप में इसे अगस्त उन्नीस सौ नवासी में अगस्त नाइनटीन सेवेंटी नाइन में इसे प्रारंभ किया गया था क्वेश्चन नंबर थ तीस में आइए थर्टी क्वेश्चन निम्नलिखित आयु समूहों में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है तो तीस का हो जाएगा ऑप्शन क छ से चौदह वर्ष और इसका सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ केंद्र सरकार ने 2001 ईस्वी में किया था तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इकतीस नंबर आइए निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है तो इकतीस का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क का, कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि नेक्स्ट आइए बत्तीस नंबर बत्तीस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है तो बत्तीस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन गहुफसली योजना नेक्स्ट आइए तैतीस नंबर नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है तो तैतीस का सही हो जाएगा ऑप्शन ग अल्पसंख्यक मामले का भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2014 को नालंदा परियोजना का शुभारंभ किया गया था और नालंदा परियोजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय भारत सरकार का ही एक अभिन संकाय विकास कार्यक्रम है क्वेश्चन नंबर चौंतीस आइए उन्नीस सौ ईस्वी में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो चौंतीस का हो जाएगा ऑप्शन घ श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा <laughs> नेक्स्ट आइए पैंतीस नंबर में पैंतीस बोल रहा है कि सीडबी का मुख्यालय कहां है तो इसका मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा लखनऊ में ठीक है और सीडबी का फुल फॉर्म होता है यानी कि एस आई डी बी आई ये एक स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है और इसका मुख्यालय आपका लखनऊ में है और इसकी स्थापना उन्नीस के उन्नीस uh, में हुआ था ठीक है और किस अधिनियम के तहत तो संसद के विकास विशेष अधिनियम के तहत 2 अप्रैल 1990 को इसकी आ, इसको उसके तहत इसकी आ, मतलब इसको इसमें एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं हाँ तो यहाँ पे 36 का जो है तो सी का मुख्यालय पूछा है तो लखनऊ में तो इसकी स्थापना संसद के विकास विशेष अधिनियम उन्नीस के तहत दो अप्रैल उन्नीस को किया गया था ठीक है नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर छत्तीस में निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है तो छत्तीस का सही हो जाएगा ऑप्शन ग यूरोपीय संघ न्यूयॉर्क जो है यह सही सुमिलित नहीं है जबकि जो इसका इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है ठीक है और यूरोपीय संघ का गठन मास्टरिक संधि के तहत एक नवंबर उन्नीस सौ ईस्वी को किया गया था और इसकी जो मुद्रा है वो यूरो है ठीक है नेक्स्ट आइए सैंतीस नंबर में विश्व में शराब का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है तो सैंतीस का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख फ्रांस जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है जबकि इटली जो है दूसरे पे और स्पेन जो है तीसरे नंबर पे आता है क्वेश्चन नंबर अड़तीस आइए क्वेश्चन नंबर इसमें अड़तीस बोल रहा है कि बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है तो बरमुडा ट्रेंगल कहां पे है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर उनचालीस में उनचालीस बोरा विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था तो उनचालीस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ अमेरिका में नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर चालीस में ग्रैंड बैंक स्थित है तो चालीस का सही हो जाएगा ऑप्शन ग उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन में फोर्टी वन बोल रहा है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है तो यह कहां पे है तो इकतालीस का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग हैदराबाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बयालीस नंबर में भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौ अयस के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं तो बयालीस का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग धारवाड़ तंत्र में ठीक है नेक्स्ट आइए तैंतालीस नंबर फोर्टी थ्री में भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है तो फोर्टी थ्री का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क अप्सरा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है भामा भा, भावा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात बार का मुख्यालय मुंबई स्थित ट्राम्बे में है और इसका बार्क स्थापना उन्नीस ईस्वी में किया गया था और आप लोग ये जो भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है बार्क ये आप वो जो टी आर पी स्कैम में अभी बार्क का यूज हो रहा है उस बार्क से कंपेयर मत कीजिएगा दोनों का बार्क का अलग अलग डिफिनेशन है ठीक है नेक्स्ट आइए चौवालिस में बार्क ये बार्क वाला जो है भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसकी स्थापना उन्नीस में किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चौवालिस में <coughs> चौवालीस नंबर क्वेश्चन बोरा निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है तो चौवालीस का सही हो जाएगा ऑप्शन ग असम मणिपुर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड की सीमा म्यांमार से मिलती है जबकि असम की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव में आइए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है तो पैंतालीस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क नई दिल्ली में और इसकी स्थापना भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना 1875 सौ पचहत्तर ईस्वी में सर्वप्रथम कलकत्ता में स्थापित किया गया था जिसे 1905 ईस्वी में शिमला स्थापित किया गया और 1928 सौ ईस्वी में पुणे तथा अंततः उन्नीस में दिल्ली स्थानांतरित किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए छियालीस में टिडियां भारत में प्रवेश करती हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे पाकिस्तान से ऑप्शन ग में सैतालीस नंबर आइए कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट कब से आरंभ किया तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सैतालीस का हो जाएगा ऑप्शन क उन्नीस से नेक्स्ट आइए अड़तालीस नंबर में अड़तालीस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा स्लोगन दिया है तो अड़तालीस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख अतुल्य भारत नेक्स्ट क्वेश्चन ये उनचास में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल जम्मू कश्मीर में है तो यहाँ पे उनचास का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ गुलमर्ग जो है वो जम्मू कश्मीर में है कसौली आपका हिमाचल प्रदेश में है उड़वाड़ा आपका गुजरात में है और पॉइंट कैलीमर आपका तमिलनाडु में है नेक्स्ट क्वेश्चन आइए पचास में भारत का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है तो पचास का ये हो जाएगा क अलंग ठीक है ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा है और ये आपका जो अलंग है वो कहाँ किस जिले में है गुजरात के तो भावनगर जिले में है अगर अलंग ना देकर के भावनगर पूछे तो भावनगर मारिएगा क्योंकि अलंग जो है भावनगर ज़िले में ही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आइए इक्यावन नंबर में इक्यावन नंबर बोल रहा है वियतनाम ओपन बैडमिंटन टू अब देखिए यहाँ पे से मैंने इक्यावन से लेकर बीस क्वेश्चन टोटल रहेगा ठीक है सत्तर तक करंट अफेयर्स का उसको मैंने बोला था कि छोड़ दीजिएगा आप लोग अस्सी नंबर में ही अपने मार्क्स को देखिएगा क्योंकि इस देख सकते हैं इसका जो अभी तक मैंने क्वेश्चन करवाया बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी जो बीस क्वेश्चन इसका जो करंट अफेयर्स है उस समय के हिसाब से उसका मैं इसमें आंसर आपको बताते जा रहा हूँ ठीक है इक्यावन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग सौरभ वर्मा बावन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख नई दिल्ली तिरपन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग पीवी सिंधु ठीक है उसी तरह फिर चौवन का सही आंसर हो जाएगा आपका डूडेंट कप दो हज़ार उन्नीस का चौवन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क कोलकाता नेक्स्ट आइए पचपन में इसका पचपन का सही हो जाएगा ऑप्शन ग त्रिपुरा छप्पन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख रेल कोरस uh, क्या है तो रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों तथा तो सामान की सुरक्षा करने के लिए एक बल है ठीक है नेक्स्ट आइए छप पचपन हो गया एक मिनट यहां पे एक चीज और एक चीज नोट कर लीजिएगा कि देखिए यहां पे पचपन और पचपन दो बार लिखा गया ठीक है इसको पचपन है इसको छप्पन कर दीजिएगा ठीक है ना तो ये जो है इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पचपन का ग त्रिपुरा ठीक है और ये जो छप्पन छप्पन कर दीजिएगा ये जो छप्पन का आंसर है इसका आपका हो जाएगा सही आंसर इसका ऑप्शन ख हो जाएगा रेल में यात्रा करने वाले यात्री सामान की सुरक्षा करने वाला एक बल है वही संतावन नंबर आइए संतावन का उस समय के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग राजस्थान अंठावन नंबर आइए अंठावन का हो जाएगा ऑप्शन घ युगांडा 59 में आइए 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ नेक्स्ट आइए 60 नंबर में 60 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन क पेरिस 61 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का इसका 61 का जो है वो हो जाएगा क 62 का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें अब बोरा हाल ही में चर्चित अमेरिका का किस देश के साथ व्यापार युद्ध चल रहा है तो ये आज भी प्रासंगिक है ठीक है और ये आज भी वही आंसर होगा ऑप्शन ख चीन नेक्स्ट आइए अब सिक्सटी थ्री में सिक्सटी थ्री बोरा फेडोर क्या है तो सिक्सटी थ्री का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग एक मानव रोबोट और ये किसके द्वारा निर्माण किया गया है तो रूस के द्वारा ठीक है फेडोर का फुल फॉर्म होता है फाइनल एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट रिसर्च ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के साथ काम करने के लिए इसे बनाया गया है नेक्स्ट आइए सिक्सटी फोर का उस समय के जो रमन मैक्सेसा पुरस्कार थे वो हो जाएगा ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं क्योंकि 2019 में जो मिला था प्रसिद्ध पत्रकार एवं एन के मैनेजिंग एडिटर रवीश कुमार को सम्मानित किया गया था ठीक है लेकिन जो रमन मैक्सेसे पुरस्कार है वो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैक्सेसे की याद में उन्नीस से दिया जा रहा है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है नेक्स्ट आइए ये पैंसठ में हाल ही में बिहार के कर्पूरी देवी का निधन हो गया वो किस क्षेत्र से संबंधित है यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर नहीं है कर्पूरी देवी है ठीक है तो पैंसठ का हो जाएगा ऑप्शन ग चित्रकला उसमें भी मधुबनी चित्रकला और सुजनी कला के प्रसिद्ध चित्र ये कला के कलाकार थे और उस समय का छियासठ नंबर का है उस समय का ये क्वेश्चन है उस समय महाराष्ट्र राजस्थान था ऑप्शन क ठीक है नेक्स्ट आइए सिक्सटी सेवन में इसका हो जाएगा सिक्सटी सेवन का सही आंसर सिक्सटी सेवन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख एक सितंबर दो हजार उन्नीस सिक्सटी एट में आइए सिक्सटी एट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग साहित्य सिक्सटी नाइन आइए सिक्सटी नाइन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क वीरचक्रेवन सेवनटी का क्वेश्चन आइए सेवेंटी का हो जाएगा ऑप्शन ख पद्म विभूषण सेवेंटी वन अब देखिए यहां तक हो गया आपका मैंने बताया था कि बीस क्वेश्चन आपका होता है करंट अफेयर्स का तो करंट अफेयर्स आप लोग को छोड़ देना है ठीक है इसे सॉल्व नहीं करना है तो अब आइए इकहत्तर से फिर से जी के शुरू हो गया है तो इकहत्तर नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नींद में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्शन तो रिफ्रैक्शन इसका हो जाएगा इकहत्तर का सही आंसर ऑप्शन ख बैगनी का ठीक है नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू सेवेंटी टू बोल रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो ऑप्शन इसका क हो जाएगा नेक्स्ट आइए सेवेंटी थ्री में सेवेंटी थ्री बोला प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो कौन ये बदलता है तो सेवेंटी थ्री का हो जाएगा ऑप्शन ग सौर सेल यानी कि सोलर सेल नेक्स्ट आइए चौहत्तर नंबर में बोरा परमाणु बम आधारित है तो चौहत्तर का सही हो जाएगा ऑप्शन ग अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन नेक्स्ट आइए पचहत्तर नंबर एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है तो पचहत्तर का सही हो जाएगा ऑप्शन ख सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि एस नेक्स्ट आइए छिहत्तर नंबर में सबसे भारी धातु धातु कौन है तो छिहत्तर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ ऑस्मियम नेक्स्ट आइए सतहत्तर नंबर में जल का शुद्धिकरण किया जाता है तो सतहत्तर का सही हो जाएगा ऑप्शन ग क्लोरीन के द्वारा नेक्स्ट आइए सेवेंटी एट में सेवेंटी एट बोरा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है तो सेवेंटी एट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग पूना में और इसकी स्थापना छह अप्रैल उन्नीस ईस्वी में हुई थी और तीन जनवरी 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था सेवेंटी नाइन आइए संश्लेषित रेशा क्या है इसमें से कौन सा संश्लेषित रेशा है तो ये हो जाएगा रियान जो है संश्लेषित रेशा है बाकी सभी इसमें से प्राकृतिक रेशे हैं अस्सी नंबर आईएस समुद्र जल से नमक किस पर किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है तो अस्सी का सही हो जाएगा ऑप्शन ख वाष्पीकरण के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन आइए इक्कासी में बोरा कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायात मात्रा में पाया जाता है तो इक्यासी का सही हो जाएगा ऑप्शन ख कैल्सियम नेक्स्ट आइए एट्टी टू में एट्टी टू बोल रहा है भारत का केंद्रीय औषधि संस्थान भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो एट्टी टू का सही हो जाएगा ऑप्शन क लखनऊ में और इसकी स्थापना सत्रह फरवरी उन्नीस सौ इक्यावन को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी नेक्स्ट आइए एट्टी थ्री में रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है एट्टी थ्री का सही है इसका एट्टी थ्री का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख श्वेत रक्त कण एट्टी फोर नंबर में आइए मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतस्राविक ग्रंथि है तो एट्टी फोर का सही हो जाएगा ऑप्शन घ पीयूष ग्रंथि नेक्स्ट आइए एट्टी फाइव में एट्टी फाइव बुरा एच आई वी की खोज की थी तो एच आई वी की खोज किसने की थी तो एट्टी फाइव का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख लुक मॉन्टेनियर ने नेक्स्ट आइए एट्टी सिक्स नंबर में एट्टी सिक्स है जैव विविधता का क्या अर्थ है तो एट्टी सिक्स का सही हो जाएगा ऑप्शन ग एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आइए एट्टी सेवन में एट्टी सेवन बोल रहा है जैव विविधता के हास का मुख्य कारण क्या है तो एट्टी का सही हो जाएगा ऑप्शन ग प्राकृतिक आवासीय जैव विविधता के हार्स का पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा प्राकृतिक आवासीय विनाश ठीक है हाथ है तो विनाश नेक्स्ट आइए एट्टी एट में एट्टी एट में। बोरा भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट है तो एट्टी एट का सही हो जाएगा ऑप्शन ग पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ये सब जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं नेक्स्ट आइए है एट्टी नाइन में एट्टी नाइन एट पूछ रहा है कि गंग सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है 89 नाइन का सही हो जाएगा ऑप्शन ग सिकोया सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष है और यह अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए नब्बे किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है तो नब्बे का सही हो जाएगा ऑप्शन क पचास वर्ष यानी कि पचास वर्ष से अगर वो देखी नहीं गई है वो प्रजाति तो उसे विलुप्त माना जा सकता है इक्यानवे नंबर में आइए इक्यावे नंबर बोरा निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस राधा कृष्णन है तो इक्यानवे का सही हो जाएगा ऑप्शन ख इंडियन फिलोसफी नेक्स्ट आइए 92 टू में निर्मल हृदय के संस्थापक कौन थे तो 92 टू का सही हो जाएगा ऑप्शन ख मदर टेरेसा और बिनोव भावे पवनार आश्रम की स्थापना किए थे और भूदाल आंदोलन के प्रवर्तक थे वहीं गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर के निर्माण में सहायक थे और वहीं महर्षि गौतम जो हैं वो न्याय दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं नेक्स्ट आइए नाइन्टी थ्री का नाइन्टी थ्री का है निम्न में से निम्न में से कौन सा स्टेडियम चेन्नई में स्थित है ठीक है तो नाइन्टी थ्री का सही हो जाएगा ऑप्शन क चेपक का स्टेडियम चेपक स्टेडियम चेन्नई में फिरोसा कोटला नई दिल्ली में ग्रीन पार्क कानपुर में और किन स्टेडियम जमशेदपुर में है नेक्स्ट क्वेश्चन आइए है नाइन्टी फोर में नाइन्टी फोर बोरा अर्जुन पुरस्कार सर्वप्रथम किस वर्ष दिया गया तो नाइन्टी फोर का सही हो जाएगा ऑप्शन घ सौ में इसे सर्वप्रथम दिया गया था और यह खेल क्षेत्र का एक पुरस्कार है 95 फाइव का यह केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र स्थित है तो ये कहाँ पे है तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख वसाल में आ, और भारतीय दलहन शोध संस्थान आपका कानपुर में है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका कटक में है और सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स जो है वो हैदराबाद में है 96 नंबर आई नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुआ था तो 96 का सही हो जाएगा ऑप्शन ख 1948 में किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की रक्षा के प्रति युवकों तथा युवतियों में जागरूक पैदा करना नेक्स्ट क्वेश्चन आइए संतानवे नंबर में सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है तो संतानवे का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग ठीक है ये वाला आ, दस करोड़ चालीस लाख निन्यानवे हज़ार सौ बावन नेक्स्ट आइए अंठानवे नंबर में, में जनगणना दो के अनुसार बिहार में लिंगानुपात प्रति एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है तो नाइन्टी का सही यहाँ पे नाइन्टी एट का आपका सही हो जाएगा आ, एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा तो नाइन्टी एट का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन घ नौ सौ नेक्स्ट आइए निन्यानवे नंबर बिहार में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है तो ये हो जाएगा ऑप्शन घ नलकूप और इस टेस्ट सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है तो सौ का सही हो जाएगा ऑप्शन घ चौसा के निकट और गंगा नदी बक्सर जिला के चौसा के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन जो हमारा है आपका देख सकते हैं टेस्ट नंबर फोर आपका कंप्लीट हो चुका है पूरे सौ क्वेश्चन और देख लीजिएगा इस किताब अगर आप खरीदते हैं तो यहाँ पे उत्तर मारा दिया रहेगा ठीक है उसके बाद जो आपका है वो पूरा एक्सप्लेनेशन है और एक्सप्लेनेशन में कोई भी कोताही नहीं बरती गई है बहुत अच्छे से इसमें जानकारी दी गई है इस किताब में केवल यही दिक्कत है कि ये थोड़ा सा ओल्ड बुक है आप लोग के पास उम्मीद करते हैं कि नहीं होगा क्योंकि उस समय ये आप लोग के शायद नया पब्लिकेशन था उस समय और आप लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं था लेकिन फिर भी बहुत लोगों के पास ये उपलब्ध होगा और कुछ लोगों के पास उपलब्ध नहीं होगा ठीक है लेकिन जिनके पास उपलब्ध नहीं है अगर वो किताब खरीदना चाहते हैं तो किताब खरीद सकते हैं और वैसे इस इस पब्लिकेशन का नया बुक जो है बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए वो आपका मार्च में लॉन्च हो जाएगा तो उसका भी इंतजार कीजिए जैसे वो किताब आता है उसका भी मैं टेस्ट सीरीज चालू करूंगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिन मंगल में हो धन्यवाद